नमस्कार दोस्तों मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 कॉमर्स में हम लोग आज के वीडियो में अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एन पी ओ संस्था या गैर लाभकारी संस्था के ऑब्जेक्टिव बूस्टर के तहत उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्राप्ति भुगतान खाता जनरली सो so करता है डेबिट बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट क्रेडिट बैलेंस कैपिटल फंड तो हमेशा यह जनरली डेबिट बैलेंस हो करता है इसको आपको याद करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज अ ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे डियर फ्रेंड्स ऑप्शन को ध्यान में रखना है रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट डेट मीन्स प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्राप्ति भुगतान खाता पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या नॉन ऑफ दिस रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता वास्तविक खाता रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट क्यों है गोल्डन रूल के तहत रियल अकाउंट बताता है डेबिट स्क्वल टू व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट स्क्वल टू व्हाट्स गोज आउट तो रिसिप पेमेंट अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाइएगा तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड पेमेंट होता है तो इसीलिए रियल अकाउंट बताता है डेबिट स्क्ल टू व्हाट्स कम्स इन रिसिप्ट मतलब वाट्स कम सेन ही होता है और क्रेडिट मतलब होता है वाट गोज आउट पेमेंट के तहत तो वाट गोज आउट हम लोग करते हैं ओके तो इसलिए रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट मीन्स आय एवं व्यय खाता आय एवं व्यय खाता में कौन सा ट्रांजेक्शन होता है ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कैपिटल ट्रांजेक्शन बोथ ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस देखिए ट्रांजेक्शन टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कैपिटल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होते हैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कैपिटल ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजेक्शन जो बार बार ट्रांजेक्शन होता हो और कैपिटल ट्रांजेक्शन का मतलब जो बार बार ट्रांजेक्शन ना हो करके एक मुश्त ट्रांजेक्शन होता हो उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन बोलते हैं तो आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो बार बार ट्रांजेक्शन होता हो उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं तो डैट मीन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ही होता है इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन वो बैलेंस शीट में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एस्पेसिफिक डोनेशन इज स्पेसिफिक डोनेशन डोनेशन का मतलब होता है दान दान बोलते हैं हिंदी में देखिएगा डोनेशन दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला डोनेशन होता है जनरल डोनेशन और दूसरा तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो होता है वह रेवेन्यू नेचर का होता है और स्पेशल डोनेशन जो होता है वह कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट होता है तो जनरल डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट का लाता है और स्पेशल डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट का लाता है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आप लोग को इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो चुका था कैपिटल रिसिप्ट मतलब या कैपिटल ट्रांजेक्शन डेट मीन्स जो एक मुश्त ट्रांजेक्शन होता है कैपिटल रिसिप्ट मतलब एक बार जो एक मुश्त जो रिसिप्ट होता है पैसा तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं तो स्पेशल डोनेशन इसी तरह बार बार तो नहीं होता है स्पेशल डोनेशन एक मुफ्त जब होता है तो कभी कभी होता है ये इसलिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Outstanding सब्सक्रिप्शन इज द सब्सक्रिप्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंदा outstanding मतलब होता है बकाया तो सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा outstanding मतलब बकाया इसका मतलब हुआ बकाया चंदा देखिए सब्सक्रिप्शन बस रहता तो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है सब्सक्रिप्शन बस इनकम होता है लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन नॉट अ नॉट फ्रो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है नहीं है तो कौन नहीं है एग्जाम्पल तो देखिएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है ऐसी संस्था या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती हो समाज के कल्याण के लिए चलाई जाती हो तो समाज का कल्याण कॉलेज से होता है हॉस्पिटल से होता है कलब से होता है लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं सॉरी पब्लिक कंपनी से नहीं होता है पब्लिक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है इसीलिए इसका यह एग्जाम्पल नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर सो इन रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर देखिएगा इससे पहले ये बात बता चुके हैं कैपिटल नेचर का जो भी रिसिप्ट होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर का आता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों नेचर का लेकिन स्पेशली कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट जो होता है वो शो करता है बैलेंस शीट में करते हैं आप लोग को बता चुके थे इससे पहले भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट भी बनाया जाता है जो कि रेवेन्यू जो भी ट्रांजेक्शन रेवेन्यू का होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको पुट कर देते हैं और जो हम लोगों का कैपिटल नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में होता है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज देखिए ओवर एक्सपेंडिचर से जब इनकम ज्यादा होगा एक्सेस होगा इनकम आय एक्सपेंडिचर व इनकम जो आय जो है वे से जब ज्यादा होगा तो वो सरप्लस का लाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म एज देखिएगा जब लाइबिलिटीज से ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा एसेट्स एसेट्स मतलब संपत्ति और लाइबिलिटीज मतलब दायित्व जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स जो है लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है तो वह क्या कहलाता है तो वह कैपिटल फंड कहलाता है या कैपिटल कहलाता है या प्रॉफिट या नॉनमदिस देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस साइड लाइबिलिटीज होता है इस साइड एसेट्स होता है तो एसेट्स जो है ज़्यादा होता है लाइबिलिटी से ए माइनस एल डैट मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज तो वो कैपिटल फंड कहलाता है तो कैपिटल फंड का एक रूल होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आप लोग इसको भी याद कर लीजिए ये भी ऑप्शन में कभी कभी आता है इस टाइप का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देखिएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर तो कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन को देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नॉन ऑफ दिस तो यहां पे ध्यान दीजिएगा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह का अकाउंट प्रिपेयर करता है सबसे पहला रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तीसरा बैलेंस शीट तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है तो याद कर लीजिए तीन तरह के अकाउंट फिर से हम बोल रहे हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ठीक है आई थिंक आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरह तरह से आया होगा अगर आप लोगों को मे भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रह जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें ओके इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें धन्यवाद जय हिंद जय भारत